आज हमें अपनी जिंदगी के कुछ पन्ने भेजे हैं रेशमा ने। रेशमा की अश्विनी से शादी हुए तो 5 साल हो गए हैं, लेकिन पिछले 2 साल से वो जरा ज्यादा खुश रहने लगी है। आफ्टर ऑल 3 साल मोटा किराया देने के बाद जाके वो नवी मुंबई में अपने खुद के फ्लैट में मूव कर पाए हैं। यार, गार्डनिंग करने से फुर्सत मिले तो खाना लगा दो प्लीज। माय डियर, खाना 1 घंटे पहले से ही तैयार हो गया है। तुम्हारा ध्यान लैपटॉप से हटे तब ना। अच्छा ठीक है, चलो खाना लगा दो। आशु, रिधिमा के स्कूल में पीटीएम है परसों, वेल इन एडवांस बताया है। कीप योरसेल्फ फ्री, ओके? आशु। खाना लग गया। अश्विनी, तुम मेरी किसी बात पे ध्यान ही नहीं देते हो यार। प्लीज यार रेशमा, कट द ड्रामा। यू नो आई हैव अ सेल्स मीटिंग कमिंग अप। सपोर्टिव होने के बजाय तुम ताने दे रही हो, हद है यार। ओके सॉरी, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में मैं कल अकेली ही चले जाऊंगी। ओके ठीक है। रेशमा और अश्विनी के बीच इस नोकझोंक का मतलब ये नहीं था कि शादी में कोई प्रॉब्लम थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और आजकल की स्ट्रेसफुल जिंदगी को समझते भी थे। मिसेस श्रीवास्तव, पता किया आपने? ओ हाय। हाय। मैंने आपको बताया था ना कि ज़ीनिया मेरे हस्बैंड किसी नर्सरी से ही लेके आए हैं। ओ, एक्चुअली मैं रोज नोटिस करता हूँ, बहुत सुंदर है। जी? ये ज़ीनिया की बुशेस। आई सजेस्ट आप मेरे हस्बैंड का नंबर ले लीजिए, उनसे ही पता कर लीजिएगा। एक काम करिए प्लीज, आप ही पूछ लीजिए ना, मैं कल शाम को आपसे पूछ लूंगा। मेरा नंबर है 9845231212। रेशमा की कॉलोनी के संजय शर्मा ने ज़ीनिया पौधों की तारीफ करते करते कब रेशमा की तारीफें शुरू कर दी थी उससे पता भी नहीं चला। लेकिन शुरुआत में इस इंसिडेंट के बारे में जब रेशमा ने अपने हस्बैंड अश्विनी को बताया तब। आशु, मैं जब रिधिमा को स्कूल से लेने जाती हूँ ना, तब भी मैंने संजय जी को मुझे फॉलो करते देखा है यार। रेशमा, तुम क्यों नोटिस करती हो ये सब? ध्यान ही मत दो ना। अरे यार, आई फील अनकंफर्टेबल। ऐसे रोज कोई देखते रहता है, पीछा करते रहता है, और हमेशा एक ही सवाल, ये ज़ीनिया कौन से नर्सरी से मंगवाए? एंड यू नो व्हाट, अब तो खुद का नंबर भी मुझे दे दिया है ज़ीनिया कौन से नर्सरी से मंगवाए पता करने के लिए। लो बेबी, बात यही खत्म हो गई। मिस्टर शर्मा का गलत इंटेंशन होता तो वो इतने कॉन्फिडेंटली हमारे घर नहीं आते। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, हम सब पड़ोसी है और ऊपर से नए हैं, ऐसे ही तो रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। वेल, आई एम जस्ट सेइंग कि अब उनके पास मेरा नंबर भी आ जाएगा। तुम्हें ठीक लगता है, नाम उनसे ओके? हाँ हाँ ठीक है, इतना मत सोचो। रेशमा ने सब कुछ अश्विनी को एज इट इज बता दिया था, लेकिन फिर भी कुछ डिटेल्स ऐसी थीं जो बताने में कहीं छूट गईं और अश्विनी के समझने में भी। यू नो, मुझे तो तुम उसी दिन पसंद आ गई थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। अच्छा, याद भी एग्जैक्टली कब? बहुत अच्छे से याद है। तुम लोगों को शिफ्ट हुए शायद 1 हफ्ता हुआ था और तुम रिद्धिमा की बस स्टॉप फिगर आउट करी थी और तुमने स्काई ब्लू कलर का सूट पहना था। ओ गॉड, तुम्हें सूट का कलर भी याद है? और क्या क्या याद है? बहुत कुछ, रोज नई यादें ही तो बना रहे हम। कब तक टेस्ट लोगी मेरा? हर टेस्ट तो पास कर लेता हूँ मैं। अपनी वाइफ की भी हर चीज याद रखते हो? जरूर रखता, अगर वो तुम्हारे जितनी सुंदर होती तो। झूठे। रेशमा की संजय से फोन पे बातें, टेक्स्टिंग रोज ही होती थी और अश्विनी को ना इसकी खबर थी ना उसने रेशमा के बर्ताव में कोई चेंज महसूस किया। लेकिन ऐसी बातें क्या ज्यादा दिन छुप सकती हैं? अश्विनी के ऑफिस निकलते ही रेशमा संजय को फोन लगा लेती है। आज का दिन बहुत खास है संजय। खास तो होगा ही, आज मेरी रेशमा का बर्थडे जो है। आई एम वेरी एक्साइटेड। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। नहीं, ज्यादा खास बात यह है कि आज हम पहली बार अकेले मिलने वाले हैं। तो रेशमा और संजय दोनों ही एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आ चुके हैं एक दूसरे के साथ, और न रेशमा के हस्बैंड अश्विनी को पता है, न संजय की वाइफ जानती है। रेशमा के बर्थडे वाले दिन क्या होता है दोनों के मिलने पर, आइए रेशमा से ही पूछते हैं।
Hello. Hi Reshma, belated happy birthday to you. Thank you Richa for wishing me. But एक बात बोलूँ? हाँ बोलो ना. तुमसे अपनी बात शेयर करके I'll tell you I'm feeling so light and close to you. Come on ya, that's what I'm here for. अच्छा ये बताओ कि celebration कैसा रहा? कैसा celebration? संजय को तो मैं मिल ही नहीं पाई. अच्छा क्यों? रिद्धिमा का ना नानी के यहाँ जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया. बट आई एम रियली वेरी हैप्पी कि संजय ने मुझे सबसे पहले विश किया. और तुम्हारा हस्बैंड तो भूल ही गया डेट. और क्या, वो तो सारे हस्बैंड एक जैसे तो होते, अपनी बीवी का बर्थडे तो भूल ही जाते. पर मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता अगर संजय मेरा बर्थडे भूल जाता. ओह आई सी. लेकिन ये बताओ यार, ये कब और कैसे हो गया रेशमा? ये इक्वेशन कैसे चेंज हो गई? आई डोंट नो यार, पहले छोटी छोटी बात को लेके मेरे साथ टाइम स्पेंड करते थे, अब तो उनको मेरे लिए कुछ टाइम ही नहीं है. पहले जैसा एक्साइटमेंट नहीं रहा हमारी रिलेशनशिप में, वो रोमांस था ना पहले, अब नहीं हुआ. तो सो ये जो सारी मिसिंग चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं संजय पूरी कर देता है. तो क्या इमोशनल सपोर्ट ही है या कुछ और भी संजय के साथ? अब तक तो चल रहा है ये, इट्स ओनली इमोशनल, बट इमोशनल जो बोलते ना, बट मुझे नहीं पता कि ये जब हम मिलेंगे आमने सामने तो क्या होगा. अपने पार्टनर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना कितना डैमेजिंग हो जाता है किसी भी रिश्ते के लिए, उसका एग्जाम्पल है रेशमा की प्राइवेट डिटेल्स. सही गलत इसका फैसला तो हर इंसान खुद ही लेता है, बट आज आप मुझे बताइए कि रिलेशनशिप को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए क्या एफर्ट्स करने चाहिए, कौन सी छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी चाहिए. और अगर आपकी भी कोई प्राइवेट डिटेल्स हैं तो ईमेल कीजिए onprivatedetails@retroFM.in. क्योंकि रेडियो पे कोई आपको देख नहीं सकता, आपकी डिटेल्स रहती हैं प्राइवेट. मैं हूं ऋचा आपके साथ हर रात ऑन रेट्रो 106.4.